घरेलू उपाय में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे स्वाइप मशीन के बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ, वही स्वाइप मशीन जिसका इस्तेमाल अगर ऑप्शन के रूप में किया जाता था कि अगर आपके पास एटीएम नहीं है, नहीं का किसी दुकान पर आप गए हो और जगह एटीएम अवेलेबल नहीं है, तो उसका इस्तेमाल आप स्वाइप करके पेमेंट कर सकते हैं। जैसे किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, किसी दुकान पर, कपड़े की दुकान पर, शॉपिंग मॉल पे वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, आज ऐसी न्यूज़ आ रही है कि स्वाइप मशीन काम नहीं कर रही है और बैंकों में इतनी लंबी लाइन लग रही है कि लोगों के पास कैश नहीं है, और 1500 की नोट जब से बंद हो गई है तब से लोगों के पास कैश की कमी हो गई है। एटीएम काम नहीं कर रहे हैं, किसी के पास पैसे नहीं हैं, और स्वाइप मशीन का भी ऐसा ही कुछ लोचा आ गया है, स्वाइप मशीन भी काम नहीं कर रहे हैं। तो यह एक बहुत बड़ी समस्या सामने उभर कर आ रही है। इसका इस्तेमाल हम लोग अक्सर किया करते थे पेट्रोल पंप वगैरह कई जगहों पर, और स्वाइप मशीन बंद होने से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। क्योंकि इससे पहले कुछ लोग, जब से 500 और 1000 की नोट बंद हुई थी, तो स्वाइप मशीन का यूज़ करके दुकानों पर इसका बहुत ही तेज़ी से इस्तेमाल हो रहा था, और कुछ सब्जी वाले भी इसका इस्तेमाल कर रहे थे। तो अगर स्वाइप मशीन बंद होने की ये खबर आ रही है, तो मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस समय, क्योंकि कैश लोगों की जेब में है नहीं, और किसी को भी अगर किसी घर में शादी है या कुछ खर्चे करने हैं तो उसके लिए स्वाइप मशीन का बहुत ही यूज़ कर रहे थे, और स्वाइप मशीन जब से बंद हो गई तो इसकी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो देखते हैं कब तक ये सही होता है। मेरे हिसाब से तो ये, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या है और आपका भी स्वाइप मशीन काम नहीं कर रहा है, तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल घरेलू उपाय सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो हम आपको देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।